एवरीवन, दिस इज कृष्णा फ्रॉम edyonkar.com। आज इस वीडियो में हम आपके CSI NET एग्जाम के रिगार्डिंग दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन दोनों टॉपिक्स से आपके CSI NET एग्जाम में पार्ट सी में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज इन दोनों टॉपिक्स को कवर करके आप अपने एग्जाम के रिगार्डिंग +10 मार्क्स अपने स्कोर कार्ड में एड कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को यूज नहीं करना होता है, हमें सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज और मेथड्स को प्रैक्टिस करना है, देन हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि इन क्वेश्चंस को करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन रिगार्डिंग WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। इस मेथड से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई है, उस शॉर्ट ट्रिक को भी हम यहाँ यूज करेंगे। साथ ही हम इस क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको दोनों मेथड्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज, वन डायमेंशनल सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल टू p² / 2m + λ mod x, वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो हमें यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले जो फॉर्मूला हमें WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड में यूज करना है उसको एनालाइज करेंगे। तो इन जनरल जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है 1/h(x₁ to x₂ px dx) β₁ β₂ = nπ, अगर हम n को 0 से कंसीडर कर रहे हैं, और अदरवाइज n+1π अगर हम n को 1 से कंसीडर कर रहे हैं। तो हम यहाँ एक एक टर्म का मतलब समझेंगे। तो px, जैसा कि आपको ऑलरेडी यू नो और आप जानते हो कि ये मोमेंटम है, ओके, जो हम गिवन हैमिल्टोनियन या एनर्जी के एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जो इंटीग्रेशन की लिमिट है x₁ एंड x₂, ये जो है ये हमारे गिवन पोटेंशियल के टर्निंग पॉइंट्स है। अब टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करती हूँ। टर्निंग पॉइंट्स फिर क्या होता है, जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। इस केस में क्या होता है, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जीरो होती है। ये होता है टर्निंग पॉइंट। और हम इसे ग्राफ में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कोई पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। हम इसका डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं जितना आपके एग्जाम के लिए या आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेलेवेंट है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स क्या होंगे, टर्निंग पॉइंट्स होंगे, जिसके बाद फॉरबिडन रीजन चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे टर्निंग पॉइंट्स हैं। इन कंडीशंस का भी हम अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज बीटा। यहाँ पर बीटा क्या है, बीटा यहाँ पर है फेज फैक्टर। दिस इज बीटा, ये है फेज फैक्टर। फेज फैक्टर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेज फैक्टर की वैल्यू या तो होती है 0 या होती है π/4। तो 0 किस कंडीशन में होती है, रिजिड पोटेंशियल के कंडीशन में। रिजिड पोटेंशियल क्या होता है, अगर हमारे जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उस पर हमारे पोटेंशियल की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाती है तो वो हमारा होता है रिजिड पोटेंशियल। और अगर हमारे टर्निंग पॉइंट्स पर कोई फाइनाइट वैल्यू हमें पोटेंशियल की मिलती है तो वो हमारा होता है नॉन रिजिड पोटेंशियल। उस कंडीशन में हम फेज फैक्टर को क्या लेंगे, π/4। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इन कंडीशंस का यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इन कंडीशंस को नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हैमिल्टोनियन, दैट मींस हमें क्वेश्चन में एनर्जी गिवन है। तो पहले हम उसको राइट डाउन करेंगे। आर हैमिल्टोनियन इज h = p²/2m + λ mod x, दैट इज आर एनर्जी। तो यहां से सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। तो पहले हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ से मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे देन व्हाट वी विल ऑब्टेन, दैट विल बी e − λ mod x × 2m। ओके, ये हमारी मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड थिंग इज कि हमें यहाँ पोटेंशियल दिया हुआ है λ mod x, तो हम हमारे पोटेंशियल को ड्रॉ करेंगे।
तो इट इज एन मोड फंक्शन, तो आर पोटेंशियल विल बी लाइक दिस। एंड मोड फंक्शन है तो ऑब्वियसली हमारा पोटेंशियल क्या है, इवन है। इवन है तो उस कंडीशन में जो लिमिट्स होगी वो क्या होगी, फंक्शन इवन है तो लिमिट्स क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो सपोज ये वाला टर्निंग पॉइंट है हमारा प्लस ए पे, तो ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा माइनस ए। ओके, ये प्लस ए पे, तो ये वाला हो जाएगा माइनस ए पे। यहाँ पे हमारी लिमिट्स हो गई इक्वल एंड अपोजिट। ओके, अब हम इसको हमारे फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस कर, दैट विल बी माइनस ए टू प्लस ए, और हमारा जो हमने पी कैलकुलेट किया है वो है 2m e माइनस लैम्डा मोड एक्स डीएक्स प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू इक्वल टू एन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड थिंग हमें फेस फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें टर्निंग पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमारा पोटेंशियल जो हमें गिवन है वो है v इज इक्वल टू लैम्डा मोड एक्स, ठीक है। तो हमें अगर v की वैल्यू निकालनी है, अगर हम दोनों टर्निंग पॉइंट्स पर निकालेंगे तो हमारे v की वैल्यू आएगी लैम्डा ए। ओके, जो कि एक क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू। दैट मीन्स जो हमारे बीटा वन और बीटा टू हो जाएंगे वो हो जाएंगे पाई बाय फोर, ठीक है। अब अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करें तो अब हमारा फॉर्मूला बनेगा वन ओवर एच क्रॉस माइनस ए टू प्लस ए रूट टू एम e माइनस लैम्डा मोड एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर पाई बाय टू, देन दैट मीन्स इट इक्वल टू एन प्लस हाफ पाई। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। इसके बाद हमारा पोटेंशियल क्या है, इवन है, दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x है, हमारा फंक्शन इवन फंक्शन हुआ, इसका मतलब हम लिमिट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक नहीं सॉरी, हम लिमिट को हाफ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा टू इंटू जीरो टू ए रूट टू एम ई माइनस लैम्डा मोड एक्स इज इक्वल टू एन प्लस हाफ पाई। ओके, यहां तक हो सकता है आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद अब आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम जो टर्निंग पॉइंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब टर्निंग पॉइंट की जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है, एक टर्निंग पॉइंट हमारी एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल के इक्वल। हमारा पोटेंशियल क्या है, लैम्डा मोड एक्स। ओके, अब टर्निंग पॉइंट पर अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए लैम्डा ए। तो यहां से अगर हम ए कैलकुलेट करें तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई ऑफ ई बाय लैम्डा। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, टू बाय एच क्रॉस जीरो टू ई बाय लैम्डा रूट टू एम ई माइनस लैम्डा मोड एक्स इज इक्वल टू एन प्लस हाफ, ठीक है। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसमें हम सेम मेथड को यूज करेंगे और सेम स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहां से एनर्जी की टर्म को बाहर ले लेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी की टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अब हम करेंगे टू बाय एच क्रॉस जीरो टू
बाय लैम्डा, यहाँ से हम एनर्जी की टर्म कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा 2ME 1 माइनस लैम्डा एक्स, इसको हम एक्स लिख सकते हैं क्योंकि हमने लिमिट को ऑलरेडी हाफ कर दिया, डिवाइडेड बाय ई डी एक्स इज इक्वल टू एन प्लस हाफ पाई। ठीक है, अब सपोज जो ये वाली टर्म है वेरिएबल टर्म, इसको हम किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे, तो यहां पर हम करेंगे 1 माइनस लैम्डा एक्स बाय ई को, हम किसके इक्वल कर रहे हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, हमने यहाँ पे उसको टी से डिनोट किया है। ठीक है, इसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स लैम्डा माइनस का लैम्डा बाय ई डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हमें किसमें, अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है, उससे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट्स भी साथ के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो एट जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, टी की वैल्यू क्या है 1, और एट एक्स इज इक्वल टू ई बाय लैम्डा, टी की वैल्यू क्या है 0। अब हम ये सारी वैल्यूज हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दैट विल बी 2 बाय एच क्रॉस, लोअर लिमिट अब हमारी क्या हो गई है, लोअर लिमिट अब हमारी हो गई है 1, और अपर लिमिट हो गई है 0। ओके, तो 1 2 0, 2ME, ठीक है, 2ME कॉन्स्टेंट है, इसको हमने अलग से लिख लिया, और अब हमारा जो वेरिएबल हुआ वो हुआ अंडर रूट टी, दैट इज, एंड डी एक्स की जगह हमें रिप्लेस करना है टी टी ई माइनस का ई ओवर लैम्डा डी टी इज इक्वल टू एन प्लस हाफ वाई। ओके, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी, इसके बाद आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमारी लोअर लिमिट थी 1 और अपर लिमिट थी 0, तो हमने माइनस साइन लगा के माइनस को यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दिया, और यहाँ पे हमारी नाउ लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1, और हमने सारे कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और अगर हम इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं भी करें तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे लिमिट्स क्या है, कुछ कॉन्स्टेंट्स है, तो इसकी वैल्यू कुछ कॉन्स्टेंट ही आएगी। ओके, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 बाय एच क्रॉस रूट 2ME ई ओवर लैम्डा। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा t की पावर 3/2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिमिट हम लगा देंगे 0 to 1 एन प्लस हाफ फाइव। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर हम टोटल जो हमारी 2√2ME की पावर को कैलकुलेट करें तो ये है 1 एंड ये है 1/2। ओके, तो यहाँ पे हमारी पावर हो जाएगी 3/2, और उसके बाद यहाँ पर ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3 देन एन प्लस हाफ पाई। अब अगर हम यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट करें इन सारे कॉन्स्टेंट की टर्म्स में, तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू 2√2ME और लैम्डा इधर चला जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है एन प्लस हाफ पाई। ठीक है, और पावर यहाँ पर 3/2 है तो इधर हो जाएगी 2/3 एच क्रॉस 2/3। ओके, हमने सिंपली कुछ नहीं किया, सारी टर्म्स को इधर ले गए और उनको ई की टर्म में कैलकुलेट कर लिया, तो यहां से हमें आंसर मिल गया, हमें सिर्फ लैम्डा की पावर बतानी है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ से हमें मिल गया है 2/3। और अगर हमें ये एन की टर्म्स में पूछता तो वो भी कहता है 2/3। अब हम इस क्वेश्चन को
हमारी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है, हमें सिंपली क्या करना है, एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी को, तो वो होती है एन की पावर 2m ओवर m प्लस 2 और लैम्डा होता है 2 ओवर m प्लस 2। यहाँ पर हमें जो हमारा पोटेंशियल गिवन है वो क्या गिवन है, लैम्डा मोड x, यानी कि हमारा m क्या हो गया, यहाँ पर 1 है, यानी x की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर m हो गया 1। तो सिंपली जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से वो होगा n की पावर 2 ओवर 4, सॉरी n की पावर 2 ओवर 3 और लैम्डा की पावर भी 2 ओवर 3। तो ये शॉर्ट ट्रिक से सेकंड्स में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, पर हमें कन्वेंशनल मेथड भी याद होना जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो दिसंबर 2018 के पेपर से था एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2018's पेपर। ओके, सो सिमिलरली द क्वेश्चन इज द nth एनर्जी आइगन वैल्यू en ऑफ ए वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन h इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m प्लस लैम्डा x की पावर 4 वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 इज अ कांस्टेंट इन W की भी अप्रोक्सीमेशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें सिमिलरली यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करनी है और यहाँ पर हमें ऑप्शन में दोनों गिवन है, यानी हमें n और लैम्डा दोनों के टर्म्स में हमारी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सिमिलरली हम सेम स्टेप्स इसमें भी फॉलो करेंगे, हमें हैमिल्टोनियन गिवन है पी स्क्वायर बाय 2m प्लस लैम्डा x की पावर 4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी जो हमें पोटेंशियल गिवन है वो क्या है, इवन पोटेंशियल है। तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर हम फॉर्मूला में सबसे पहले हम पी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो पी वुड बी रूट 2m ई माइनस लैम्डा एक्स की पावर 4 और हमें ऑलरेडी पता है कि पोटेंशियल इवन है और हमारी लिमिट से इक्वल एंड अपोजिट होगी, तो हम पहले ही हमारे पोटेंशियल को डिवाइड कर लेते हैं, यानी हमारे फंक्शन को हाफ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1 ओवर h क्रॉस, इसको हम ऑलरेडी 0 टू a कर लेते हैं, माइनस a टू a की जगह इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं और हमारा जो मोमेंटम है वो हो जाएगा 2m e माइनस लैम्डा x की पावर 4 dx प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू एन पाई। ओके, अब यहाँ पर हमें फेज फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किए हैं कि हमारे जो भी जो से हमने यहाँ पे हमारे टर्निंग पॉइंट्स को प्लस ए और माइनस ए से डिनोट किया है। तो अगर हम यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स पे हमारे पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो पी है इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की पावर 4 और अगर हम प्लस माइनस ए दोनों के लिए वी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी लैम्डा ए की पावर 4। दैट इज ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू। दैट मींस क्या है कि ये फाइनाइट वैल्यू है तो हमारे बीटा 1 और जो बीटा 2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बीटा 1 एंड बीटा 2 वुड बी इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है, इसके बाद हमें सिर्फ इंटीग्रेशन फॉलो करना है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो था दिसंबर 2018 के पेपर से और जो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है जून 2018 के पेपर से। ओके, सो द क्वेश्चन इज द nth एनर्जी आइगन वैल्यू en ऑफ अ वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन h इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m प्लस लैम्डा x की पावर 4 वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 इज अ कांस्टेंट इन W की भी अप्रोक्सीमेशन इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो हमें यहाँ पर भी एनर्जी कैलकुलेट करनी है और किन की टर्म्स में करनी है, n और लैम्डा की टर्म्स में, जो हमें ऑप्शन से पता चल रहा है, यानी कि हमें डायरेक्टली n और लैम्डा पे डिपेंडेंस कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें हैमिल्टोनियन यानी एनर्जी गिवन है, दैट इज h इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m प्लस लैम्डा x की पावर 4। अब अगर हम ये ध्यान से पोटेंशियल को देखें तो हमारा पोटेंशियल हमें पता लग रहा है क्या है, इवन पोटेंशियल है। इवन पोटेंशियल है
तो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता लग गया कि हमारे जो टर्निंग पॉइंट्स होंगे या जो लिमिट्स होगी वो क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले हमारा मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m e माइनस लैम्डा x की पावर 4। अब हमें पता है पोटेंशियल इवन है, लिमिट हमारी इक्वल एंड अपोजिट है, और जो हमारा ये फंक्शन है ये भी क्या हुआ, एक इवन फंक्शन हुआ। इवन फंक्शन हुआ तो उस केस में हमने ऑलरेडी हमारी लिमिट्स को हाफ कर दिया है, दैट इज 2 बाय h क्रॉस 0 टू a। यहां हमने लिमिट को हाफ किया है, इसने 2 से मल्टीप्लाई किया है, अंडर रूट 2m e माइनस लैम्डा x की पावर 4 dx प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू n पाई। अब हमें फेज फैक्टर यानी कि बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें हमारे टर्निंग पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है। तो टर्निंग पॉइंट्स पर अगर हम प्लस माइनस दोनों के लिए चेक करें तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, लैम्डा ए की पावर 4, जो कि क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट वैल्यू के लिए हमने क्या बताया था कि हमारे बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 4। तो यहां से हमें बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, दैट आर पाई बाय 4। ओके, अब हम लिमिट की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें टर्निंग पॉइंट की कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। टर्निंग पॉइंट पर क्या होती है, जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज लैम्डा ए की पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वुड बी इक्वल टू ई बाय लैम्डा की पावर 1/4। ठीक है, तो ये लिमिट हम हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 2 by h cross 0 to e by lambda की power 1/4 under root 2m e minus lambda x की power 4 dx। और यहाँ पे हम बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, n प्लस हाफ y। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद अब हमें वो सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनर्जी को यहाँ से कॉमन लेंगे, तो दैट वुड बी 2me, और यहाँ पे बनेगा 1 माइनस लैम्डा एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय e, और ये हो गया dx इक्वल टू n प्लस हाफ। ठीक है, अब हमें वो सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमारे पास वेरिएबल पार्ट क्या हुआ, ये 1 माइनस लैम्डा एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय ई। तो हमें सपोज इसको हमने कोई कांस्टेंट ले लिया इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहां से माइनस का लैम्डा बाय ई 4x cube dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, अब आप पहले इस कैलकुलेशन को नोट डाउन कर लीजिए, देन हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ेंगे। अब हमें सेम स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो टर्म ऑप्टेंड की थी वो थी माइनस लैम्डा बाय ई 4x cube dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, माइनस का e बाय 4 लैम्डा x की पावर माइनस 3 dt। अब हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या है, x है, पर हमें पूरा एक्सप्रेशन t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ से हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या कंसिडर किया था, 1 माइनस लैम्डा x की पावर 4 बाय e इज इक्वल टू t, एंड तो यहाँ से हो गया 1 माइनस t इज इक्वल टू लैम्डा x की पावर 4 बाय e। तो यहाँ से x की पावर 4 हमने कैलकुलेट कर दी e बाय लैम्डा इंटू 1 माइनस टी, तो x की पावर माइनस 3 क्या हो जाएगी, e बाय लैम्डा 1 माइनस टी की पावर माइनस 3 बाय 4। ओके, अब हम इन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे फॉर्मूला में जो हमने फाइनल ऑप्टेंट किया था वो था 1 बाय h क्रॉस इंटू 2, और अंडर रूट 2me को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, एंड dx के साथ हमारा जो, और सिमिलरली जैसे हमने पहले लिमिट चेंज की थी, यहाँ भी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट हो जाएगी 0। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये हो जाएगा अंडर रूट टी, और जो हमारी डीएक्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस का टी बाय 4 लैम्डा
इंटू एक्स की पावर माइनस थ्री, तो यहाँ से हम x की पावर माइनस थ्री सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट वुड बी e बाय लैम्डा की पावर माइनस थ्री बाय फोर वन माइनस टी की पावर माइनस थ्री बाय फोर, ओके देन dt इज इक्वल टू एन प्लस हाफ y, ठीक है। अब जैसे हमने प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो ये जो हमारी लिमिट्स है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे अंडर रूट टू टी इंटू वन माइनस टी की पावर माइनस थ्री बाय फोर, तब भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ से कांस्टेंट मिलेगा। तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं और डायरेक्टली हम एन प्लस हाफ और लेमडा के टर्म्स में हमारे सारी टर्म्स को सेग्रीगेट करते हैं, तो जो हमारी टर्म बनेगी यहाँ पे टू बाय एच क्रॉस रूट टू एम, तो e की पावर है यहाँ पे e की पावर हाफ e की पावर माइनस थ्री बाय फोर प्लस e की पावर यहाँ पर है वन, ओके। तो यहाँ पर टोटल जो हमारी e की पावर हो जाएगी वो हो जाएगी वन बाय टू प्लस वन माइनस थ्री बाय फोर, ओके। और लैम्डा की पावर यहाँ पर है लैम्डा वन प्लस थ्री बाय, ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू एन प्लस हाफ की पावर फाइव, ओके। तो हमने सारे कांस्टेंट को साथ में ले लिया है, ऑब्वियसली इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन भी कोई कांस्टेंट ही होगा, ये सारे कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया है, ओके। यहाँ पर फोर भी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बस ये पावर्स कैलकुलेट करेंगे, तो पावर्स कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वन बाय एच क्रॉस वन बाय टू एच क्रॉस रूट टू एम। हम इन कॉन्स्टेंट को भी चाहे तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक भी ऑप्शन में कॉन्स्टेंट की टर्म में नहीं पूछा है, तो इनको सॉल्व करने से कोई भी मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। दिस इज थ्री बाय टू और थ्री बाय टू माइनस थ्री बाय फोर, ओके। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर थ्री बाय फोर, ठीक है। और यहाँ पर जो लैम्डा होगा, लैम्डा की पावर बनेगी e की पावर थ्री बाय टू फोर इंटू वन बाय लैम्डा की पावर यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास जो हुआ ये हुआ लैम्डा की पावर वन माइनस थ्री बाय फोर, दैट इज लैम्डा की पावर वन बाय फोर और e की पावर थ्री बाय फोर प्रोपोर्शनल टू एन प्लस हाफ वाई, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ से हमें जो e की पावर मिली वो मिली e की पावर थ्री बाय फोर और लैम्डा की पावर मिली वन माइनस थ्री बाय फोर, दैट इज लैम्डा की पावर वन बाय फोर या लैम्डा की पावर माइनस वन बाय फोर, ठीक है। तो यहाँ से अब हम डायरेक्टली इसको n की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। सो आफ्टर द कैलकुलेशन हमें क्या यहाँ से मिला, e की पावर थ्री बाय फोर प्रपोर्शनल टू लैम्डा की पावर वन बाय फोर एन प्लस हाफ फाइव, ओके। तो अब यहाँ से हम e की टर्म्स में अगर इन्हें कैलकुलेट करें तो लैम्डा की पावर हो जाएगी वन बाय थ्री और एन प्लस हाफ की पावर हो जाएगी फोर बाय थ्री, ओके। तो यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। अब हम सेम क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। इस कंडीशन में m क्या है हमारे पास, फोर, लैम्डा x की पावर फोर, x की पावर है फोर, तो यहाँ पे हमारे पास m है फोर, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो हमारी एनर्जी हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू एन की पावर टू इंटू फोर अपॉन फोर प्लस टू लैम्डा की पावर टू अपॉन फोर प्लस टू, दैट मीन्स यहां से ये हो जाएगा एट सिक्स और लैम्डा की पावर हो जाएगी टू बाय सिक्स, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू फोर बाय थ्री, एन की पावर फोर बाय थ्री एंड लैम्डा की पावर वन बाय थ्री, यानी कि सेकेंड्स में हमने इसको शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेरी लेटेस्ट पेपर, दैट इज फ्रॉम जून
2019 and the question is the Hamiltonian of a quantum particle of mass m is h is equal to p square by 2m plus lambda mod x to the power r, where alpha and r are positive constant. The energy En of the nth level for large n depends on n is. हमें वही एनर्जी कैलकुलेट करनी है n की टर्म्स में. वैसे आप ऑप्शंस को देखते ही समझ गए होंगे कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमें पूछा है शॉर्ट ट्रिप के लिए, तो डायरेक्टली इसका आंसर हम 4 टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें पोटेंशियल गिवन है वो है Vx is equal to alpha mod x की पावर r. तो यानी कि x की पावर क्या है, यहाँ पर r है, तो सिंपली हमें m को सिर्फ किससे रिप्लेस करना है, r से, और हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, n की पावर 2 इंटू आर ओवर आर प्लस 2, दैट विल बी 2r ओवर r प्लस 2, दैट मीन करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4. आई होप ये सारे मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द बोर्न अप्रोक्सीमेशन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बोर्न अप्रोक्सीमेशन. तो आपके सिलेबस में हम फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसका यूज हम स्केटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए करते हैं. तो हम यहाँ इसको ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे जितना आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिलेवेंट है. तो आपको बोर्न अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं. ओके, जो फर्स्ट फॉर्मूला स्केटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने का है वो है माइनस एम ओवर 2πh² इंटीग्रेशन e की पावर आयोटा k वेक्टर माइनस k प्राइम वेक्टर r वेक्टर vr वेक्टर d2. ओके, यहाँ पर जो m है वो है जो इंसिडेंट पार्टिकल है हमारा उसका मास. ओके, और यहाँ पर vr वेक्टर क्या हुआ, पोटेंशियल हुआ. अब हमें यहाँ पर जो k वेक्टर है वो होता है वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट वेव, और k प्राइम वेक्टर यहाँ पर होता है वेव वेक्टर ऑफ स्केटर्ड वेव. इन जनरल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन सेंट्रल पोटेंशियल के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं. तो सेंट्रल पोटेंशियल के लिए हमें और इजी फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है स्केटरिंग एम्पलीट्यूड करने के लिए वो है एफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर k 0 टू इनफाइनाइट r sin kr vr dr. ओके, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, सिर्फ इस फॉर्मूला से इन जनरल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ सेंट्रल पोटेंशियल के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो वेव वेक्टर के गिवन है कैपिटल के, उसको हम उसकी वैल्यू हम इस टर्म में लिखते हैं, के इज इक्वल टू टू स्मॉल के साइन थीटा बाय 2. ओके, और यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में हमें कैपिटल के की जगह स्मॉल बी भी दिया हुआ होता है, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है. हमें इस फॉर्मूले को यूज करके चाहे के गिवन हो या बी गिवन हो क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभी लेटेस्ट जून 2018 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है द डिफरेंशियल स्केटरिंग क्रॉस एक्शन डी सिग्मा बाय डी ओमेगा फॉर द सेंट्रल पोटेंशियल. देखिए सेंट्रल पोटेंशियल के लिए क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, वी आर इज इक्वल टू माइनस बीटा बाय आर ई की पावर माइनस म्यू आर, वेयर बीटा एंड म्यू आर कॉन्स्टेंट इज कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन. इट्स डिपेंडेंस ऑन स्केटरिंग थीटा, स्केटरिंग एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू. तो हमें यहाँ पे स्केटरिंग एंगल थीटा की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर डी सिग्मा बाय डी ओमेगा यानी कि स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा. स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को हम बाद में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के टर्म्स में निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सेम क्वेश्चन कई बार नेट एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ध्यान से देखना है और जो रिजल्ट है उसको डायरेक्टली अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. ठीक है, तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो पोटेंशियल गिवन है वो है वी आर इज इक्वल टू माइनस बीटा बाय आर ई की पावर माइनस म्यू आर, उसको हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, माइनस का 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर k r k 0 टू इनफाइनाइट
आर साइन के आर, और जो हमारा गिवन पोटेंशियल है वो है माइनस का बीटा बाय आर ई की पावर माइनस म्यू आर दिया। ओके, तो यहाँ आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और अब हम सारे कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा माइनस का टू एम बीटा, ये प्लस का हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर के जीरो टू इनफाइनाइट। अब यहां पर क्या क्या बचेगा हमारे पास, ई की पावर माइनस म्यू आर साइन के आर डी आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा साइन के आर है उसको ई की पावर की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम इजीली इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2m बीटा डिवाइड बाय एच क्रॉस स्क्वायर के जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस म्यू आर साइन के आर को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयटा के आर माइनस ई की पावर माइनस आयटा के आर डिवाइडेड बाय टू आयटा डी आर। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, टू एम बीटा एच क्रॉस स्क्वायर के, ठीक है, जीरो टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर माइनस, ठीक है, आर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बनेगा न्यू म्यू माइनस आयोटा के माइनस ई की पावर माइनस आर म्यू प्लस आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे टू आयोटा को भी हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। ठीक है, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा एम बीटा आयोटा एच क्रॉस स्क्वायर के, ठीक है, जीरो टू इनफाइनाइट। अगर हम इसको अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, ये बचेगी वन ओवर न्यू माइनस आयोटा के माइनस वन ओवर म्यू प्लस आयोटा के। यहां तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस म्यू से प्लस म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वुड बी टू आयोटा के, आयोटा के से आयोटा के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो हमें ऑप्शन में मिलेगा वो प्लस एम बीटा डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर इंटू टू म्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे कॉन्स्टेंट को, जो ये टर्म है कॉन्स्टेंट में, इसको सपोज हमने कोई कॉन्स्टेंट सी दे दिया, तो यहाँ पे जो हमारी टर्म बनेगी वो बनेगी सी ओवर म्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब k की वैल्यू हमें पता है कि k को हम क्या लिखते हैं, टू स्मॉल k साइन थीटा बाय टू, तो यहां से जो k स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, फोर k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारा एम्पलीट्यूड है उसमें, तो f थीटा इज इक्वल टू c ओवर म्यू स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें लेकिन ये जो सारे ऑप्शंस हैं उनमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बाय टू गिवन है, कहीं भी फोर के स्क्वायर गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से फोर के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो जो हमारी टर्म बचेगी, सपोज अब हमारा कॉन्स्टेंट हो गया है सी डैश, तो जो हमारी टर्म बचेगी वो बचेगी म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर के स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है,
तो यहाँ से हम इस पूरे कॉन्स्टेंट को कोई कॉन्स्टेंट ए दे सकते हैं जो हमें ऑप्शन में गिवन है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। यहां तक हमने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे की कैलकुलेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो यहां से हमें जो रिलेशनशिप मिला स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के लिए वो हमें मिला है थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ओके, और हमें कैलकुलेट करना है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इज इक्वल टू जो हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होता है उसके मोड का स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इट वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू की पावर माइनस। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो सिंपली हमने सिर्फ एक सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, उसके अलावा इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया है। सिंपली हमें कैलकुलेशन करनी है और हमें इजिली इसका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2019 पेपर। द क्वेश्चन इज द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ एन एटम कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय द पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू अल्फा ओवर r e की पावर माइनस r अपॉन r। अगर हम इस पोटेंशियल को देखें तो ये बिल्कुल जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है सिमिलर टाइप का पोटेंशियल है। प्रीवियसली भी सेम पोटेंशियल कई बार पूछा गया है, तो मैं अगेन बोल रही हूँ कि हमें ये जो सॉल्यूशन जो हमने अभी सॉल्व किया है उसको याद रखना है। वेयर अल्फा एंड आर आर कॉन्स्टेंट्स, इफ द वेव नंबर ऑफ इनकमिंग पार्टिकल्स इज के एंड द स्कैटरिंग एंगल इज थीटा, द डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इन बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन वुड बी। ओके, ये एंगल इज टू थीटा नॉट थीटा। एग्जाम में जो एंगल दिया हुआ है वो टू थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है उसके पोटेंशियल को देखें तो वो है माइनस का बीटा ओवर आर ए की पावर माइनस म्यू आर, और उसके रिगार्डिंग जो हमें एफ थीटा हमने कैलकुलेट किया था वो था माइनस का टू एम बीटा एच क्रॉस स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सिंपली सिर्फ हमें क्या करना है, बीटा की जगह अल्फा को रिप्लेस करना है और म्यू की जगह वन ओवर कैपिटल आर को रिप्लेस करना है। अगर हम इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कर दें दैट माइनस टू एम बीटा की जगह हमने सिर्फ यहाँ पर अल्फा को रिप्लेस कर दिया और एच क्रॉस स्क्वायर म्यू की जगह सिर्फ हमें वन ओवर आर करना है, यानी कि वन ओवर आर का स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें आंसर, हमने जब प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर को देखा तो उससे हमें डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल गया। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, इसको हमें याद रखना जरूरी है। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर हम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है और कई बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।